हेलो एवरीवन, वेलकम टू वावाईएस। नाउ वी शैल सी आवर डेली एमसीक्यूज फॉर 13th of July। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स अगर आपको याद हो तो हमने नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिशन के बारे में पढ़ा, जिसके तहत मंगोलियन कंजूर के 108 वॉल्यूम्स हम प्रिंट करने वाले हैं। मंगोलियन कंजूर करेंट अफेयर्स में कवर किया हुआ था। इसके 108 वॉल्यूम्स हम प्रिंट करेंगे बाय मार्च 2022। नाउ स्टेटमेंट वन, अ मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ अ हैंड रिटन कॉम्पोजिशन ऑन पेपर, बार, क्लोथ, मेटल एट्सेट्रा डेटिंग बैक एटलीस्ट 75 ईयर्स। ओके, एंड स्टेटमेंट टू, लिथोग्राफ्स आर इन प्रिंटेड वॉल्यूम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एट मैन्यूस्क्रिप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती क्या हैं? सबसे पहले मैन्यूस्क्रिप्ट वो चीज़ होती हैं जो या तो कोई बहुत ही हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की हों, या एस्थेटिक सिग्निफिकेंस की हूँ, या फिर साइंटिफिक सिग्निफिकेंस की हूँ। ओके, सो ये सारी हुई हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और ऑल्सो ये 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए। तो स्टेटमेंट वन जो है हमारा, दैट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, लिथोग्राफ्स इन प्रिंटेड वॉल्यूम्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। लिथोग्राफ्स और जो प्रिंटेड वॉल्यूम्स होती हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं बोलते हैं। इवन जो एडिक्ट्स होते हैं, रॉक एडिक्ट्स आपने सुना होगा, अशोका के रॉक एडिक्ट्स होते हैं, फिर मेटल पिलर एडिक्ट्स होते हैं, ये सारे जो भी हैं इनको मैन्यूस्क्रिप्ट में नहीं जगह देना जाता है। तो आंसर है हमारा ए, वन ओनली। जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने आपको बताया, हम मंगोलियन कंजूर प्रिंट करने वाले हैं जो कि एक बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट है। ओके, रिलीजियस टेक्स्ट है, मंगोलिया में यूज़ होता है, हर मोनेस्ट्री में इसको रखा जाता है, मंगोलियन कंजूर को। और इसकी 5 वॉल्यूम्स हमने अपने प्रेसिडेंट को गिफ्ट भी की हैं। ओके, और जो नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ओके, सो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, पेरिस प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू ए, कस्टोडियल डेट्स, बी ह्यूमन राइट्स, सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और इज इट डी मनी लॉन्ड्रिंग। सो हमारा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है दैट इज़ द NHRC, उसने एक 11 मेंबर पैनल बनाया है। अब ये 11 मेंबर पैनल क्या करेगा? तो इट विल असेस द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमन राइट्स, इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन ह्यूमंस। तो ये तो हुआ NHRC के 11 मेंबर पैनल के बारे में। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जो पेरिस प्रिंसिपल है दैट इज़ कंसर्न विद ह्यूमन राइट्स। आंसर इज़ बी। नाउ पेरिस प्रिंसिपल क्या है? तो इट वॉज द फोकल पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ NHRC टू मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जितने भी ह्यूमन राइट कमीशंस हैं कंट्रीज़ की, दोज आर कंसर्न विद दिस पेरिस प्रिंसिपल। ओके, पेरिस प्रिंसिपल। नाउ इन 1993 UN जनरल असेंबली अडॉप्टेड द पेरिस प्रिंसिपल्स ऑन ह्यूमन राइट्स। तो 1993 में, अगर आपको याद हो, हमारी ह्यूमन राइट्स कमीशन भी 1993 में बनी थी। इवन जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जितने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन थे, दोज वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर दिस अडॉप्शन ऑफ पेरिस प्रिंसिपल। तो 1993 में UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था पेरिस प्रिंसिपल्स फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ये तो हो गया क्लियर पेरिस प्रिंसिपल के बारे में। अब आप शायद ना भूलें ये, तो आंसर हमारा भी ह्यूमन राइट्स। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल हमारे आज के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया गया है, तो प्लीज़ गो थ्रू इट वंस। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है करंट अफेयर्स पोर्टल पे। तो असीम पोर्टल का जो फुल फॉर्म है दैट स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग, स्किल्ड Employee, Employer Mapping। सो ये आप देख ही सकते हैं कि ये जॉब एग्रीगेटर का काम करने वाला है। Employee, Employer Mapping का मतलब जो भी जिन लोगों को जॉब की ज़रूरत है उन लोगों को उनसे कनेक्ट करेगा जिनको स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। तो ये तो हमारा इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। ज़्यादा हम डिस्कशन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने कवर कर रखा है, तो प्लीज़ गो थ्रू आवर करंट अफेयर्स मॉड्यूल। स्टेटमेंट वन, इट इज़ एन AI बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट विल बी यूज्ड एज अ मैच मेकिंग इंजन टू मैप स्किल्ड वर्कर्स विद द जॉब्स अवेलेबल। तो ये हमने बताया आपको, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, आपको समझ ही आ गया होगा अब तक। तो
और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो ये चीज़ गड़बड़ है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSTE। तो दिस इज़ क्वाइट वेरी ऑब्वियस, अगर आप गौर करते हैं इस पर तो आपको पता होता है कि ये स्किल डेवलपमेंट में है। ओके, सो आंसर है हमारा A1 ओनली। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एड्स टू नेविगेशन बिल 2020। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ओके हैज़ इश्यूड द ड्राफ्ट ऑफ द एड्स टू नेविगेशन बिल 2020 फॉर सजेशंस फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स इन द जनरल पब्लिक। तो ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट। नाउ स्टेटमेंट 1, द बिल इज प्रपोज टू रिप्लेस कॉलोनियल लाइट हाउस एक्ट 1927। दिस इज़ ट्रू, 9 decades ओल्ड जो हमारा कॉलोनियल लाइट हाउस एक्ट है उसको ये रिप्लेस करेगा। ओके, नाउ स्टेटमेंट 2, कोस्टल स्टेट्स विल बी एम्पावर्ड टू इम्पोज सेस फ्रॉम अराइविंग एंड डिपार्टिंग शिप्स। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इस ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग जो पावर होगी दैट विल बी गिवन टू द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स। सो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स। इसके पास ये पावर होगी। ओके, टू इनकॉर्पोरेट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस इन द फील्ड ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, उसके लिए बिल लाया जा रहा है। नाउ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स दैट इज द DGLL, इन पे एडिशनल पावर होंगी एंड दी विल फंक्शन एज वेसल, ट्रैफिक सर्विस, रेक फ्लैगिंग, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेयर इंडिया इज अ साइनेटरी। आंसर है हमारा A1 ओनली। ओके, और DGLL पे पावर है इसकी, जैसे कि इसमें दिया है कोस्टल स्टेट्स पावर इस चीज़ की नहीं है। एवरी शिप अराइविंग एट और डिपार्टिंग फ्रॉम एनी पोर्ट इन इंडिया विल हैव टू पे सेस एट रेट्स नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, बट यू शुड नो अबाउट द एड्स टू नेविगेशन बिल। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। तो अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि नवंबर तक हर किसी को फ्री में ग्रेन्स देंगे। ओके, विच कवर्स 5 kilograms ऑफ आइदर राइस और वीट। ओके, और इसमें चना भी दिया जाएगा और 1 kilogram ऑफ पल्सेस। ओके, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये दिया जा रहा है, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो स्टेटमेंट 1, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, 4th 5-year प्लान के टाइम पे ही इसको ओके फ्रेम किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस फिक्सेस द मिनिमम बफर नॉर्म्स ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये डिसाइड करती है सारे बफर स्टॉक्स को। अगर आपको याद हो तो एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस जो कमेटी है हमारी, वो डिसाइड करती है MSPs को। ओके, तो जस्ट एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है। ऑल्सो द गवर्नमेंट हैज़ एंगेज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम दैट इज द SFAC, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंगेज किया है फॉर प्रोक्योरिंग पल्सेस फॉर बफर स्टॉक। ओके, सो आंसर हुआ हमारा A1 ओनली। इसी के साथ हमारा आज का MCQ खत्म होता है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू YouTube चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी फर्दर अपडेट्स। ओके गाइस, थैंक यू, वी मीट टुमारो।